जिस जगह पे आप खड़े हैं इसका पहचान घुगली का चीनी मिल हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ 1992-93 में ये कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूँ इस चीनी मिल को हम चालू कराएंगे। 6 वर्ष से ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री बने, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तक घुगली चीनी मिल नहीं चल पाई है। क्या यह केवल राजनीतिक मुद्दे हैं? नहीं, राजनीतिक मुद्दे नहीं है। हमारे योगी जी का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है भैया कि जब योगी जी आए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनके, तो आप लोगों ने देखा बंद पड़ी फर्टिलाइजर को चालू किया। घुगली की राजनीति में चीनी मिल बड़ा विषय रहा है, लेकिन चीनी मिल को मायावती की सरकार में पूरे उस चीनी मिल के एक एक पार्ट पुर्जे को बेच दिया गया, जमीनें रह गई हैं, चीजें नहीं रह गई। तो उसपे हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, समय आने पे उसका भी कार्य होगा, एक बैग सारा कार्य नहीं हो जाएगा। घुगली में रोड भी तो नहीं था, घुगली में सड़क भी तो नहीं था, आज आप देखिए ये सड़क कितना सुंदर बना है, इस पे आप बैठ के भोजन कर सकते हैं। घुगली नगर पालिका कितना खूबसूरत बना है, घुगली में बहुत कुछ नहीं था, घुगली तो छोड़िए महाराजगंज में भी बहुत कुछ नहीं था, महाराजगंज की सड़कें बनी, हमारे माननीय सांसद जी ने महाराजगंज के लोगों को ट्रेन भी दिया, रेल भी दिया। तो धीरे धीरे कोई काम होता है, विकास एक बैग नहीं हो जाता, विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, चीनी मिल भी उस पर भी हमारी गवर्नमेंट विचार कर रही है, समय आने पे उसका निर्णय लेगा। लेकिन मायावती की सरकार में जब उसे सारा बेच दिया गया, वहाँ कुछ है ही नहीं, बस जमीनें पड़ी है, तो उस पर विचार पार्टी करेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है भाई, और घुगली के लिए समर्पित तो पहले भी थे, आज भी थे, महाराजगंज के समर्पित पहले भी थे, आज भी थे, ये उनका गृह जनपद है, आने वाले समय में वो जरूर कुछ करेंगे। अभी वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, 2047 तक सबको शपथ दिलवाया जा रहा है विकसित बनाने के लिए, लेकिन क्या किसानों का कोई हित हुआ है अब तक? क्यों नहीं किसानों का हित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, हमारे मोदी जी ने सबसे पहला अगर काम किया तो किसानों के लिए किया। जो यूरिया लोग यूरिया के लिए लाइन में लगा करते थे, लाठियां काया करते थे, रात रात भर ठंडी में अपना ईंटा लगा करके लाइन लगाया करते थे, तब भी यूरिया नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी की सरकार में यूरिया इतना है कि किसान छीट नहीं पा रहा है। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जिसके पास 20 डिसमिल खेत है उसको भी 2000 रुपया किस्त के रूप में मिल रहा है, सलीना 6000 रुपया मिल रहा है, और जिसके पास 4 एकड़ 5 एकड़ उसको ही मिल रहा है। तो गरीब किसान से लेकर के छोटे किसान से लेकर के बड़े किसानों को हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में किसानों को लाभ दिया, किसान फसल बीमा का लाभ दिया, क्या चाहिए? और आप कह रहे हैं यूरिया इतना है किसान छीट नहीं पा रहे, ये सच्चाई है, वास्तविकता है? पहले 50 किलो की बोरी आती थी, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उसको 40 किलो कर दिया। और मैं सीजन की बात करूं तो आप तमाम दुकानों पे चले जाइए, उन दुकानों पे देखिए कि जब किसानों की अति आवश्यकता होती है तो शॉर्टेजी हो जाती है, आखिर ये कैसे होता है? नहीं नहीं देखिए कोई शॉर्टेजी नहीं है, सारे जो सरकारी गोदाम है सारे गोदामों में यूरिया भरा है, आप जाइए यूरिया लीजिए। रही बात 40 किलो की, तो 40 किलो की बात नहीं है, बात यूरिया की है। यूरिया आज आपको उसी कम रेट में मिल रहा है, सारी चीजें आपको सुविधाएं मिल रही हैं, नीम कोटेड यूरिया हो गया, और ज्यादा यूरिया का छिड़काव करने से जमीनें भी तो नुकसान हो रही थी, तो धीरे धीरे यूरिया को कम करके एग्रीकल्चर खेती जो ऑर्गेनिक खेती जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑर्गेनिक खेती पे भी उनका दिमाग चल रहा है, उनका कार्य चल रहा है। तो इस तरह से हमारा कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रकृति हित भी हो और मानव हित भी हो, दोनों हित में कार्य चल रहा है। हमारे साथ अमित पांडे थे, वर्तमान में भाजपा के सोशल मीडिया क्षेत्रीय प्रमुख हैं। मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है घुगली चीनी मिल, उस पर भी हमने इनसे बातचीत किया। इनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ का दिल बहुत बड़ा है और आने वाले समय में घुगली चीनी मिल को जरूर चालू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये केवल हवा हवाई बातें हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, या वास्तव में धरातल पर उतर करके घुगली के चीनी मिल को चालू किया जाएगा। बाकी ऐसे भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।